सुंदर निखरी बेदाग त्वचा पाना तो हर किसी का सपना होता है लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने काम के चलते आप अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिसके कारण ही आप अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लगने लगते हैं त्वचा पर झुर्रिया आ जाती है आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ जिसे आजमाने से आपकी त्वचा से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपकी त्वचा बेहद खूबसूरत लगने लगेगी अनार सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है इसका रस विटामिन सी से भरपूर होने के कारण यह त्वचा के पोर्स को खोलने में मदद करता है और चेहरे के प्राकृतिक तैलों को बरकरार रखता है अनार स्किन में कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है जिससे आपकी स्किन की लचक बढ़ती है और स्किन टाइट होती है इसके साथ ही इसमें एंटी भी होते हैं जो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाते हैं इससे झुरियो की समस्या समाप्त होती है और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद मिलती है यूथफुल स्किन पाने के लिए अनार का उपयोग आप कर सकते हैं आइए जानते हैं अनार का उपयोग अपनी त्वचा के लिए आप कैसे कर सकते हैं नमस्कार निशा रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए आप अनार से क्रीम बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे त्वचा को नमी मिलेगी और चेहरा खिला खिला नजर आएगा इस क्रीम के उपयोग से आपके चेहरे पर गुलाबी निखार आएगा तो आइए चलिए अनार से क्रीम बनाना शुरू करते हैं तो चलिए जान लीजिए अनार से ब्यूटी क्रीम बनाने का तरीका अनार से ब्यूटी क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक अनार अनार को भी हम कट करेंगे इस तरह से अनार के हमें दाने निकाल लेना है एक कटोरी में हम इसके दाने निकाल लेंगे लीजिए हमने अनार के दाने निकाल कर रख लिए हैं इतने सारे दाने हमें नहीं चाहिए थोड़े से दाने चाहिए हमने एक कटोरी पर एक छलनी रख दी है इसमें अभी हम दो चम्मच अनार के दाने डालेंगे और इसे चम्मच से ही प्रेस करेंगे आप चाहे तो चम्मच से प्रेस करें या फिर हाथों से निचोड़ कर इसका रस निकाल लें जैसे भी आपको इजी लगता है आप उस मेथड से रस निकाल लीजिए या फिर आप मिक्सर में भी पीस कर इसका रस निकाल सकते हैं क्रीम बनाने के लिए हम यहाँ मार्केट का रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं मैंने यहाँ एक चम्मच एलोवेरा जेल लिया है आप चाहे तो घर का फ्रेश एलोवेरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं ऐसी स्थिति में आप इस क्रीम को स्टोर नहीं कर पाएंगे अभी हम इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे ग्लिसरीन भी त्वचा को नमी देता है अभी हम इसमें एक विटामिन ई e का कैप्सूल डालेंगे विटामिन ई e त्वचा के लिए टॉनिक होता है ये डालना बहुत ज़रूरी है इसमें अभी हम डालेंगे एक चम्मच भर के नारियल का तेल सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि ये एक क्रीम के फॉर्म में ना आ जाए जैसे जैसे हम इसे मिलाते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर चेंज होते जाएगा पाँच से छः मिनट फेंटने के बाद आप देख सकते हैं क्रीम बनकर तैयार है बहुत ही प्यारा पिंक कलर आया है चलिए इसे किस तरह से अप्लाई करना है अभी आप ये भी जान लीजिए इस क्रीम को लगाने से पहले त्वचा तो को अच्छे से साफ़ कर ले और पोछ ले उसके बाद आप इस क्रीम को अप्लाई करें जिस तरह से आप कोई मॉइस्चराइजर वगैरह अपने चेहरे पर लगाते हैं उसी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है इस क्रीम को रात के समय आप लगाइए यदि आप रात को इस क्रीम को लगाकर सोते हैं तो सुबह आपको इसके जादुई इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे लगाना है और रात भर ऐसे ही छोड़ देना है सुबह आप नहाते समय इसे ठंडे या गुनगुने पानी से धो सकते हैं आप इस क्रीम को रोजाना लगा सकते हैं इस क्रीम को लगाते ही आपकी त्वचा काफी निखरी हुई आपको लगेगी त्वचा से झुर्रिया निकल जाएगी पिंपल्स के दाग निकल जाएंगे त्वचा का सावलापन भी निकल जाएगा और आपकी त्वचा काफी उजली निखरी और बेहद खूबसूरत लगने लगेगी यदि आप अनार का फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी त्वचा से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाएगी इतना असरदार फेस पैक बनता है अनार के रस में यदि कुछ चीजें मिलाकर लगाई जाए तो चेहरे पर गोल्डन फेशियल जैसा ग्लो आएगा आइए चलिए बनाते हैं अनार का फेस पैक दो चम्मच अनार का रस ले लें इसमें एक चम्मच गुलाब जल डालें इसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें और इसे अच्छे से मिला दें मुल्तानी मिट्टी एक बेस्ट क्लिनजर है और यह एक्टिव तरीके से स्किन से तेल और अशुद्धियों को हटाने में मदद करती है जिससे आपकी स्किन में ग्लो आता है मुल्तानी मिट्टी स्किन को एक्सफोलिएट क्लीन प्यूरीफाई और नरिश करती है इसके साथ ही यह डार्क स्पॉट्स को कम करने के साथ झाइया पिंपल्स, झुर्रियों आदि को भी दूर कर देती है अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फेस पैक रेडी हो गया है यदि आपको ये थोड़ा पतला लगता है तो आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी इसमें मिक्स कर सकते हैं चलिए इसे लगाने की विधि जान लीजिए इसे चेहरे पर लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से धो ले और इस तरह से अपने चेहरे पर लगाएं आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी इसे लगा सकते हैं आपको इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर इस फेस पैक को लगाना है इसी नहीं तो किसी भी फेस पैक को लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फेस पैक हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही लगाना चाहिए इसे लगाकर आप पंद्रह से बीस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इसे ठंडे पानी से धो लीजिए आप सप्ताह में दो से तीन बार इसे यूज कर सकते हैं फेस पैक को धोने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं कुछ ही दिन लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी त्वचा में आपको बहुत ज़्यादा चेंज नजर आएगा आपकी त्वचा उजली निखरी तथा बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगी अनार से एक फेस पैक आप और बना सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अनार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है छिलकों के साथ ही इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है इसमें एक चम्मच शहद डालकर इसे अच्छे से मिला ले इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें 20 मिनट के बाद इस फेस पैक को धो लें इसके उपयोग से आपकी स्किन फ्रेश और निखरी हुई बनेगी एक प्रयोग आप और कर सकते हैं अनार की जो पेस्ट आप बनाते हैं इसमें यदि आप नींबू का रस मिलाकर लगाते हैं तो इससे भी आपकी त्वचा बहुत ज्यादा चमकने लगती है इसी के साथ आप अनार के रस में दूध की ताजी मलाई चावल का आटा चना दाल का आटा यानी कि बेसन मिलाकर भी लगा सकते हैं इसी तरह से आप कुछ और प्रयोग कर सकते हैं और अपनी त्वचा को निखार सकते हैं चलिए अभी हम बनाते हैं अनार से स्किन टोनर इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है एक कटोरी में दो चम्मच अनार का रस ले लेना है और इसमें एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है इसे अच्छे से मिला देना है एक कॉटन बॉल की मदद से आपको इसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है यह टोनर की तरह काम करेगा और आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा अनार से क्लींजर बनाकर आप अपनी त्वचा को काफी क्लीन बना सकते हैं इसे बनाने के लिए एक कटोरी में दो से तीन चम्मच अनार का रस ले लें सबसे पहले अपने चेहरे को साफ करें और साफ करने के बाद अनार का रस हाथों में लेकर सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर लगाएं। जिस तरह से कोई मसाज क्रीम हम अपने चेहरे पर लगाते हैं उसी तरह से आपको लगा लेना है लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे धो लें चेहरे से धूल मिट्टी ऑयल निकल जाएगा और आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा एकदम क्लीन नजर आएगा अनार के जूस के साथ साथ आप इसके छिलकों का उपयोग भी त्वचा तो को स्क्रब करने के लिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्क्रब बनाने की विधि स्क्रब बनाने के लिए आपको क्या करना है अनार के छिलके ले लेना है और इन्हें धूप में सुखा लेना है सूखने के बाद इसे मिक्सी में डालकर थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है एक कटोरी में एक चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर ले ले एक चम्मच गुलाब जल डालें एक चम्मच अनार का रस डालें इसे अच्छे से मिला ले मिक्स होने के बाद आप इसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगा ले और दस मिनट के लिए छोड़ दे दस मिनट के बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से धो ले कुछ ही यूज़ के बाद आप देखेंगे आपकी त्वचा की सारी झुरियाँ निकल जाएगी और आपकी त्वचा काफी टाइट और सुंदर लगने लगेगी अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस यूजफुल वीडियो से लाभ हो सके इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते